बिल्कुल, आप आने वाले 25 साल भाजपा उड़ीसा में है। ये सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की पहली कार्य समिति है और कार्य समिति हम इस बार पूरी में करने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने हमें आशीर्वाद दिया है उड़ीसा के सेवा के लिए, उनके आशीर्वाद के बदौलत ही आज हमें भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों को सरकार में बैठकर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। जगन्नाथ जी के सानिध्य में, इसीलिए उनको धन्यवाद देने के लिए हमारी ये कार्य समिति हम इस बार पूरी में करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जिन विषयों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लेकर चलती रही है, जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन सारे वादों को सरकार के माध्यम से उड़ीसा के हर घर में पहुँचना, हर जगह पहुँचाना हमारा कर्तव्य है और उन सारी बातों को लेकर जाएंगे। और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो निश्चित तौर पर उड़ीसा वासी जैसा चाहते वैसा विकास उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलेंगे। फिर कल 19 तारीख से फिर 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो जी नहीं, फिर 5 साल नहीं, फिर 25 साल, आने वाला 25 साल भारतीय जनता पार्टी का होगा। संगठन का जो काम है वो निरंतर चलता रहता है और सरकार में हम सेवा करने के लिए बैठते हैं और संगठन उसका निमित्त है कि उसमें सारे लोग मिलकर संगठन की रचना के अनुसार आने वाले समय में जब लोकतंत्र का त्यौहार आता है तो उसमें पूरी तरह से सम्मिलित होकर सरकार में बैठकर जनता की सेवा के लिए लोग तैयार होते हैं। संगठन का काम हमारा निरंतर चलता रहता है और उसकी तैयारी के लिए ये हमारा ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है चुनाव को लेकर, वो पद्धति के अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है और प्रक्रियाएं चलती रहती है। 25 साल की तैयारी शुरू हो गई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल नहीं, 25 साल की तैयारी शुरू हो गई।